हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जो फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, वो कैसे वर्क करते हैं और साथ ही में लॉग कैट करके एक चीज़ होता है जिसकी मदद से जो हम लोग डीबगिंग करते हैं, वो काम भी आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो है मैंने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है और ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्टिविटी क्रिएट किया था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप मेरे उस वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने थ्योरेटिकली जो है ये बताया था कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है और एक्टिविटी क्या है। उस वीडियो को देख लीजिएगा तभी जो आप इस वीडियो को सही से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स को देखेंगे, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाना है, प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होकर आएगा। इसके अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ऐप वाले यहाँ पर जो है क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जावा वाले यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ये एक फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसका नाम आपके ऐप का पैकेज नेम यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही में ये एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट दिखाई देगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे तो जिस एक्टिविटी के अंदर आज हम लोग जो है अपने जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जो फंक्शन होता है जिस एक्टिविटी के अंदर हम लोग बनाएंगे वो हमारा मेन एक्टिविटी है। तो हम लोग इस वाले जो है जावा वाले फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और ये आप देखिए मेन एक्टिविटी वाला जो जावा फाइल था वो हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट करके जो आपका एक्टिविटी लाइफ साइकिल का जो फंक्शन था वो पहले से यहां पे बना हुआ है, तो इसे तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है एक डायग्राम भी मौजूद है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, तो इसमें जो फंक्शन के नाम आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही फंक्शन आज हम लोग क्रिएट करेंगे। और ये फंक्शन जो है कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सब मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑन क्रिएट वाला जो फंक्शन है पहले से ही मौजूद है तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कौन कौन से फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन रिज्यूम वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन पॉज वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऑन स्टॉप वाला जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद ऑन रीस्टार्ट वाला भी फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो जो है IDE में वापस जाना है। यहाँ पर हम लोग जो ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स दिखाई दे रहे हम लोग इसको जो यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर उन फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑन लिखना है और ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा। अगर ना आए तो अपने कीबोर्ड पे CTRL और स्पेस बार को दबाइएगा, लिस्ट आ जाएगा। सबसे पहला जो फंक्शन है जो हमें क्रिएट करना है, जो कि हम लोगों ने अपने इस वाले इमेज में देखा था, वो कौन सा फंक्शन है, ये ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन है क्योंकि ऑन क्रिएट तो पहले से ही मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे, ऑन स्टार्ट लिखेंगे, देखिए फंक्शन आ गया, सेलेक्ट करिए फंक्शन को, एंटर दबाइए, लीजिए फंक्शन बन गया। अब हम लोग दूसरा वाला फंक्शन बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको क्या लिखना है, ऑन लिखना है, ऑन क्या था, रिज्यूम था, तो ये देखिए ऑन रिज्यूम करके फंक्शन आ गया, सेलेक्ट करिए एंटर दबाइए, हो गया, लीजिए फंक्शन का बॉडी क्रिएट हो गया। डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑन रिज्यूम वाला फंक्शन। उसके बाद आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑन पॉज वाला फंक्शन है, फिर ऑन स्टॉप वाला फंक्शन है, फिर ऑन डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन है। बहुत ही सिंपल है, सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। क्या करना है, ऑन लिखिए, कौन सा फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन का नाम था ऑन पॉज था, तो मैंने यहाँ पे ऑन पॉज लिखा, ये देखिए नाम आ गया लिस्ट में, एंटर दबाया फंक्शन का बॉडी क्रिएट हो गया। सेम वही प्रोसेस को रिपीट करना है, ऑन स्टॉप वाला फंक्शन बनाना है, ये देखिए ऑन स्टॉप का नाम आ गया, सेलेक्ट करिए काम हो गया। उसके बाद फिर से हमें आप कौन सा फंक्शन क्रिएट करना है, ऑन डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये देखिए ऑन डिस्ट्रॉय लिखा आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा फंक्शन था इमेज में वो कौन सा फंक्शन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ऑन रीस्टार्ट वाला फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है ऑन रीस्टार्ट, यहाँ पे इस तरीके से जो है लिखना होगा और ये देखिए लिस्ट में नाम आ गया ऊपर की तरफ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये लीजिए फंक्शन के बॉडी बन गए। तो ये जो थे आपके एक्टिविटी लाइफ साइकिल के फंक्शन आप क्रिएट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग कैट वाला जो फीचर है उसका हम लोग यूज करेंगे जो कि डीबगिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि डीबग करने का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है लॉजिकल एरर। अब ये लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप जो एक एडिशन का प्रोग्राम क्रिएट करिए और आपने क्या किया, वहां पे प्लस के सिंबल की जगह माइनस वाला सिंबल लगा दिया, आपने ये जानबूझ के नहीं किया, ये काम गलती से हो गया और फिर आपने उस प्रोग्राम को रन किया और आपने कहा यार प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन इसमें एरर आ रहा है, तो चीज गड़बड़ आ रही है। तो इस तरह का जो एरर होता है उसे हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। इस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो वर्क करता है लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आता है, तो इसको जो हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं, इसको हम लोग बग कहते हैं। और जब आप इस तरह के लॉजिकल एरर्स अपने प्रोग्राम से रिमूव करते हैं तो उसे हम लोग डीबग करना भी कहते हैं। तो लॉग कैट को यूज करने के लिए आपको लॉग लिखना है, डॉट लगाइए, कंट्रोल पर स्पेस बार दबाइएगा, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये आपके लॉग कैट के डीबगिंग लेवल है। यहाँ पर जो हम लोग डी वाले लेवल को यूज करेंगे जो कि डीबग लेवल है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एरर लेवल दिखाई देगा, एक इन्फो वाला भी लेवल होता है, अलग अलग चीजें, तो हम लोग यहाँ पर डी वाला लेवल का यूज करना है।
हम लोग इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करने पर, डी वाले फंक्शन को कॉल करने पर, इसके अंदर जो आपको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, दोनों ही स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है उसे हम लोग टैग कहते हैं, और दूसरा वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका एक मैसेज होता है जो कि आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। ये जो टैग होता है इसकी मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डीबगिंग मैसेज हम लोग का भी दिखाई देगा ये एंड्रॉयड मॉनिटर में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड मॉनिटर में जो है ये डीबगिंग मैसेज हम लोग को दिखाई देंगे। तो ये टैग की मदद से हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का जो है वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम मैंने MSG रख दिया। इस तरीके से कॉमा लगाया, कौन सा मैसेज मैं आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल प्लस एस दबा के मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पाएंगे कि जैसे आपने लॉग कैट का यूज किया तो ये वाला जो लाइब्रेरी फाइल था वो जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये जो कोड यहाँ पे लिखा है सेम इसको कॉपी करना है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, सारे फंक्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल प्लस वी, CTRL V दबाइए, CTRL V ये मैंने दबा दिया कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन क्रिएट लिखा था, यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर जो ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन है, उसके बाद कौन सा फंक्शन है ऑन पॉज वाला है, तो हम लोग यहाँ पे उसे हम लोग लिख देंगे कंट्रोल प्लस एस दबा के आपको फाइल को सेव करना है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किए या नहीं किए। तो डायग्राम को देखते हैं, सबसे पहला जो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल में कौन सा फंक्शन था, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। तो हम लोगों ने क्या तीन फंक्शन क्रिएट किए, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, तीन फंक्शन क्रिएट कर लिए। उसके बाद जो हम लोग के पास फंक्शन था ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, तो हम लोगों ने क्या ये फंक्शन क्रिएट किया, ये देखिए ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। उसके बाद कौन सा फंक्शन बच गया था, ऑन रीस्टार्ट। तो आप देख सकते हैं ऑन डिस्ट्रॉय के नीचे हम लोगों ने ऑन रीस्टार्ट वाला भी फंक्शन बना लिया। ये जो यहाँ पर आपने जो कोड लिखा है इसमें जो आपने ऑन रिज्यूम वाले एक्टिविटी फंक्शन को क्रिएट किया था उसमें यहाँ पर जो मैसेज आउटपुट में दिखाना है वो ऑन क्रिएट लिखा है, इसको ऑन रिज्यूम कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस दबा के आपको फाइल को सेव कर देना है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है, अपने वर्चुअल डिवाइस को सेलेक्ट करिए, ओके पे क्लिक करिए, और ये आप देख सकते हैं कि आपका जो ऐप है यहाँ पे रन होकर आ चुका है। अब जो लॉग कैट के मैसेजेस है हम लोग को वो देखना है, तो वो देखने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में वापस जाना है। एंड्रॉयड मॉनिटर नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगा, उसमें जो आप कई सारे मैसेजेस दिखाई देंगे। यहाँ से ये जो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है इसमें से जो है आपको अपने ऐप का पैकेज नेम जो सेलेक्ट कर लेना है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा, कभी कभार जो चेंज हो जाता है तो यहाँ से अपने ऐप का पैकेज नेम जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सर्च वाला जो फील्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने लॉग कैट में जो टैग में जो वैल्यू दिया था जो कि यहाँ पे MSG है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे MSG लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो लॉग कैट के द्वारा जो भी मैसेजेस आउटपुट में आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने अपना ऐप को जो है रन किया तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑन क्रिएट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑन स्टार्ट वाला जो है फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो है आपका ऑन रिज्यूम वाला जो है फंक्शन जो है आपका एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जो आप अपने एक्टिविटी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है इस ऐप में कोई बटन होता, कोई इनपुट फील्ड होता, तो मैं उस पर क्लिक करके एक्टिविटी को चला सकता था। अब यहाँ पर जो आपको ये वाला एक बटन दिखाई देगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये देखिए आपका जो एक्टिविटी था वो ऑन पॉज में चला गया, पॉज में चला गया, तो ऑन पॉज वाला जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल का फंक्शन होता है वो यहाँ पे कॉल हुआ। उसके बाद ऑन स्टॉप वाला जो आपका फंक्शन था वो आपका कॉल हो गया। अब अगर मैं फिर से अपने इस एक्टिविटी पे जो है क्लिक कर दूं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने एक्टिविटी पे दोबारा क्लिक किया तो ऑन रीस्टार्ट वाला जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर से ऑन स्टार्ट वाला जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर जो है आपका ऑन रिज्यूम वाला फंक्शन जो है आपका एग्जीक्यूट किया। अगर आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाले डायग्राम को देखेंगे तो यही चीज आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, एक्टिविटी के लॉन्च होते ही तीन फंक्शन एक के बाद एक जो है एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद अगर आप इसे पॉज कर देते अपने एक्टिविटी को, यानी कि बैक वाला बटन दबा दिया, या फिर एक्टिव आप जिस एक्टिविटी पर है उसमें कोई आपने बटन लगाया, उस पर आपने क्लिक किया, उससे एक नई एक्टिविटी खुल गई, तो पुरानी वाली जो एक्टिविटी होती है वो आपकी पॉज हो जाती है। तो ऐसा जब भी होता है तो पॉज वाला जो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर आपका ऑन स्टॉप वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करता है। अब जब आप अपने वापस पुराने एक्टिविटी पर जाते हो तो क्या होता है, ऑन रीस्टार्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद फिर ऑन स्टार्ट वाला जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर ऑन रिज्यूम वाला जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, और आप अपने एक्टिविटी से जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो वही चीज जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लॉग कैट के मैसेजेस के द्वारा यही चीज हुआ। अब अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर बैक वाले बटन दबा के अपने जो है एक्टिविटी को बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस दिखाई देगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक कर दिया,
ये देखिए, सबसे पहले ऑन पॉज वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर ऑन स्टॉप वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ, और आखिर में ऑन डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, और आपका जो एक्टिविटी था, आपका जो ऐप था, वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया। और यही चीज जो है आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल डायग्राम में भी दिखाई देगा। अगर जो है आप इसको बंद कर देते अपने पूरे एक्टिविटी को, तो आपका ऑन पॉज जो है एग्जीक्यूट करता है, फिर ऑन स्टॉप, और फिर जो है आपका ऑन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा आपका जो एक्टिविटी वो शट डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से जो आप लॉग कैट का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से मैसेजेस देख सकते हैं। अगर आप इस मैसेज, यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उन्हें अगर आप रिमूव करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करिए, क्लियर लॉग कैट पे क्लिक करिए, सारे मैसेजेस यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये जो है आपका एक्टिविटी लाइफ साइकिल था, इस तरीके से जो आपको लॉग कैट का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लाइफ साइकिल वाले फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इसके अंदर सिर्फ जो है आप लॉग कैट का ही जो कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, आप और भी कई तरह के कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आगे की वीडियोज में हम लोग ऐसा करेंगे भी। अब यहाँ पर मेन सवाल ये उठता है कि अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक्टिविटी क्या है, तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है कि एक्टिविटी क्या है, वो कौन से रेफरेंस में पूछ रहा है। अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पूछ रहा है, तो आप उसे एक तरीके से बताएंगे। अगर वो जनरल वे में पूछ रहा है, तो आप उसे एक तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जनरल वे में जो हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि एक्टिविटी क्या है एंड्रॉयड में, तो आपको ये बताना है कि एंड्रॉयड ऐप को जब आप रन करते हैं, तो आपके सामने जो सबसे पहला जो स्क्रीन बन के आता है, उसी को जो है हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो आप कई सारे पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, लॉगिन पेज होता है, तो इन सारे जो पेजेस आप क्रिएट करते हैं, इनको आप एक्टिविटी की तरह समझ सकते हैं। तो अगर आप सेम वही काम, मतलब जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था, अगर यही सेम काम आप एंड्रॉयड ऐप बनाने में करते हैं, और जो है मान लीजिए आप एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको हर एक जो पेज के लिए एक एक्टिविटी क्रिएट करना होगा। जैसे अगर आपको एक लॉगिन पेज बनाना है, तो उसके लिए आप एक लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, फिर आप जो है एक आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी होगा, फिर एक सर्च का एक्टिविटी हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है। तो ये चीज़ जो है एक्टिविटी है। अब अगर आपसे कोई जावा कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि एक्टिविटी क्या है, तो आपको ये बताना है कि एक्टिविटी जो है ये एक आपका जावा क्लास होता है, जो कि एक्टिविटी करके एक क्लास होता है, जो कि एंड्रॉयड एसडीके के अंदर मौजूद होता है, उसे इनहेरिट करता है, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी के यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, यूजर इंटरफेस वो चीज़ होता है जो कि ऐप को रन करने पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि आप देखते होंगे जब आप ऐप को रन करते होंगे, तो उस पर आपको बटन दिखाई देता है, इनपुट फील्ड दिखाई देता है, तो इस चीज़ को हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो एक्टिविटी को, यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप लेआउट फाइल क्रिएट करें, जो कि आपका एक्सएमएल फाइल होता है, और उस लेआउट फाइल को जो है आप अपने एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में जो ऑन क्रिएट करके जो फंक्शन होता है, उसके अंदर सेट कंटेंट व्यू करके फंक्शन को कॉल करके सेट कर लीजिए। और इस तरीके से जब आप जो है यूजर इंटरफेस को बनाएंगे एक्टिविटी के लिए, तो उसे हम लोग जो है स्टैटिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। दूसरा तरीका है एक्टिविटी का यूजर इंटरफेस क्रिएट करने का, कि अगर आप जो है जावा कोड के मदद से ही जो है एक्टिविटी का जो है यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे, तो इस चीज को जो है हम लोग डायनेमिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो ये जो है पूरा चीज आपका एक्टिविटी है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।